गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम गर्जना नारी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं के ये जो कॉफ होते हैं ये क्या होता है कि अगर कुछ ज़्यादा चल लिया जाता है या ज़्यादा समय तक खड़े रह जाते हैं तो ये चीज़ें यहाँ से क्या करने लगती है, दर्द करने लगती है। इसके लिए हमें ना पेन किलर लेने की ज़रूरत है, ना कोई भारी भरकम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक में बताती हूँ, अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जा रहा तो आप कुर्सी पे बैठ के भी इनको कर सकते हैं और आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, अगर ये चीज़ें ज़्यादा दर्द करती है या कुछ बहनों की ये काफ होती है ये ज़्यादा मोटी मोटी होती है ना ये, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है जिसकी वजह से ये बहुत मोटी हो जाती है, चलने में दर्द होता है और मोटे मोटे पैर होते हैं, कुछ अच्छे भी नहीं लगते। तो देखिए ये है रस्सी मेरे पास है ना, ये सॉफ्ट है पतली है। अगर आपके पास रस्सी नहीं तो आप अपनी चुन्नी है इसको ऐसे गोल भी कर सकते, उससे भी कर सकते। तो देखिए इससे करेंगे तो ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आपको करना क्या है ऐसे, क्योंकि जब ये हमारी दर्द करती है ज़्यादा, हम चल लेते हैं, कहीं घूमने गए हैं, पहाड़ी पे चढ़ लिए हैं, ज़्यादा पैदल चल लिए हैं, तो ये क्या करती है यहाँ से दर्द। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर घर में बच्चे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करके किसी दूसरे को पकड़ा के वो भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को क्या करना है, जैसे दूध पिलो ना ऐसे इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे करना। ऐसे अगर आप 5-5 दिन दोनों पैरों की ये करते हैं तो यहाँ से आपके ये एक तो मोटापा यहाँ से कम हो जाता है, एक ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बड़े अच्छे से हो जाता है, दर्द एकदम से क्या होता है ख़त्म होता है, रिलीफ मिलता है। अगर दिन में 2-3 बार कर लिया जाता है तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम सुबह शाम को आपको इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना ही चाहिए। ये इस तरह आप करेंगे तो आपके यहाँ पर जो दर्द होता है वो बिल्कुल सही होगा, ज़्यादा रस्सी की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी भी आपके पास है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर अब मेरे पास ये थोड़ी बड़ी है तो मैंने इसको 3 ऐसे कर लिया, 3 बार फोल्ड कर लिया। अब देखिएगा क्योंकि ये इतना चौड़ा हो जाता है तो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा ये क्या है कि आपकी जो यहाँ दर्द होता है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। आप देखिए इतना ढीला ढीला हो जाता है अगर आप इसको 5 मिनट भी क्या करते हैं ऐसे रखा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए कई बार हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पेन किलर खा लेते हैं और वो दवाइयाँ फिर क्या करते हैं हमारी किडनी पर, शरीर के और अंगों को क्या करती है प्रभावित करती है। तो इस तरह इन चीज़ों के लिए आप दवाई ना खाइए। आप अपने अब आपको पता है, मुझे पता है कि कल मैं कई किलोमीटर पैदल चली तो इसलिए ये दर्द कर रहे हैं, तो मुझे खुद पता है तो मैं खुद ही इनको क्या कर लेती हूँ ठीक है। इसी तरह अब आप दूसरे पैर का कर लीजिएगा, अगर बच्चे हैं घर में हेल्प मिल जाए तो दूसरे आदमी से भी करवा सकते हैं, नहीं आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपके जो काफ है इनको भूल, और इसमें देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बड़े अच्छे से आपके पैर में होने लग जाता है और बहुत रिलीफ मिलता है। जब भी कभी इस तरह ज़्यादा दर्द होता है तो मैं क्या करती हूँ यही करती हूँ। अभी और भी कुछ ट्रिक्स है, बारी बारी करके मैं डेली बताऊँगी कि किस तरीके से पैर की हम सिकाई करें, कब करें ना करें, कौन से तेल का इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में कि बड़े बुजुर्गों को भवे पैरों में मालिश करते, ठीक है ना, वो भी एक साइंटिफिक रीजन था, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा तेल बनाना भी बताऊंगी जिससे आप उस तेल को घर में ही बनाकर आप सुबह शाम जब भी इस वक्त लगे आप क्या कर सकते हैं अपने पैरों के दर्द के लिए पानी से कर सकते हैं। तो इस तरह एक तो ट्रिक है ये, ठीक है, और हमारे पैरों में दर्द है तो आप इसको दोनों ऐसे ये करिए, इससे बड़ा रिलीफ मिलता है।
फिर आप ऐसे कर लीजिएगा इसको, ये ऐसे कहीं हमें पता है क्यों हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करोगे तो जल्दी ही पैर में क्या होगा, आराम होगा। कभी भी इसके साथ साथ आपके शरीर की भी एक्सरसाइज हो रही है, वो भी हो रहा है। अच्छा एक और बता दूँ, हाँ अगर बैठे बैठे भी आपको ये दर्द करता है, यहाँ से दर्द होता है, ठीक है ना, कई लेडीज़ क्या करती है, सिलाई करती है, है ना, कई बच्चों को भी बैठ के पढ़ते हैं तो ये दर्द करता है, तो आप इसकी मसाज खुद ही ऐसे कीजिए, तो बहुत आराम मिलता है। इस तरीके से अगर छोटी छोटी हल्की फुल्की हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को क्या होता है कि सारे शरीर का एक तरह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और बहुत अच्छे तरीके से शरीर हमारा दिन भर क्या करता है, कार्य करता है। ये चीज़ें छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपनाएंगे तो आपके शरीर में रक्त संचार बड़े अच्छे तरीके से प्रभाव करेगा। जब रक्त संचार अच्छे तरीके से प्रभाव करेंगे तो आपके पास किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आज की यही ट्रिक है, आज आप सुबह भी कीजिएगा इसको, शाम भी कीजिएगा और कल फिर आप अपने शरीर में परिवर्तन देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि कल की ट्रिक आपको पता चले, कि सबसे पहले आप ही